हेलो एवरीवन, सो ये है पिक अ कार्ड रीडिंग फॉर कमिंग 1 to 2 डेज़ के लिए, या कैसा रहेगा आपका आज का दिन या नेक्स्ट 24 आवर्स। ये उस प्रकार की रीडिंग है, क्विक रीडिंग इसे हम कहते हैं। एंड यहाँ पर ये कार्ड नंबर 1 है, कार्ड नंबर 2 है। सो आप आराम से वीडियो को पॉज कर अपना आप कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक कार्ड का टाइम स्टैम्प्स मैं अवेलेबल कर दूँगी, वहाँ से आप अपना कार्ड नंबर सेलेक्ट करके उस रीडिंग को सुन सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारे कार्ड नंबर 1 से। सो जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया, उनके लिए क्या स्पेशल मैसेज है आज। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आया है वो है सरेंडर टू प्रेयर। एंड यहाँ पे 7 of Cups का कार्ड है। सबसे पहली चीज़ मैं कार्ड्स की मीनिंग्स आपको बता देती हूँ। जो मुझे आपके लिए मैसेजेस मिल रहे हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं आप जिन्होंने भी कार्ड नंबर 1 सेलेक्ट किया, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हैं। उनके पास मे बी कोई ऐसी चीज़ का वो डिसीजन लेना चाहते हैं अपने लाइफ में, जहाँ पे उनको वो क्लैरिटी नहीं आ पा रही है अभी तक, एंड वो कन्फ्यूज्ड हैं। कई बार ये कार्ड्स तभी भी आते हैं जब आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं बहुत सारी, बट आपको नहीं पता है कि उसमें से कौन सा रास्ता आपके लिए अच्छा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई बार आप मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं, बट आपको नहीं पता कौन सा सबसे अच्छा है। जॉब के ऑप्शंस हैं, बट आपको नहीं पता कि आप करंट जॉब में रहें, चेंज करें, या कौन से जॉब में जाएं। सो कहीं ना कुछ प्रकार का एक डिसीजन मेकिंग चल रहा होता है, जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम क्या डिसीजन लें अपनी ज़िंदगी में। तो ना उस वजह से दिमाग कई बार बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है कि नहीं समझ आ रहा हम क्या करें क्या करें, इस तरीके से। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी, कई बार इंसान इन कार्ड्स के साथ जब कॉम्बिनेशन आते हैं तो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस भी होता है, चेंजेस भी चाहता है, बहुत कुछ करना भी चाहता है लाइफ में, बहुत सपने भी देखता है, ड्रीम्स भी देखता है। लेकिन जब हम कहते हैं ना उसको एग्जीक्यूट करने की बारी आती है, जब करने की बारी आती है तो समझ में नहीं आता कहाँ जाएँ, क्या करें, कैसे करें, वो चीज़ें भी देखी जाती हैं। सो यहाँ पर आपके लिए, वैसे अगर हम बात करें कि आने वाले समय में नू 1 या 2 डेज़ में क्या एनर्जीज आपके लिए दिखती हैं, तो मैं कहूँगी आप ऐसे वक्त से गुजरो जहाँ पर डिसीजन लेना आपके लिए इंपॉर्टेंट बना हुआ है, और आपके लिए गाइडेंस आपको ये दे रहे हैं कि जो भी डिसीजन लेना आप जैसे भी लें, आप ये भरोसा रखें, प्रार्थना करें कि वो आपके लिए सही हो, अच्छा डिसीजन ही आप ले पाएँ, और अपने आप को बहुत ज़्यादा फोर्स ना करें। जब भी ऐसे कार्ड जाते हैं, हम कहते हैं कि किसी की एडवाइस लें, किसी की सजेशन लें, एंड उसके बाद ही आप डिसीजन लें। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है इन कमिंग 1 या 2 डेज़ में। अगर आपको टाइम ले सकते हो तो टाइम लेकर डिसीजन लें, नहीं तो जल्दबाजी में ना लें, फ्रस्ट्रेट होकर ना लें, आपके लिए सजेशन होगा। अगर मैं कहूँ कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की बात करूँ, तो मेरे को कोई बहुत ही खास न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई नहीं दिख रही हैं। ये एक बेसिक सा रूटीन मेरे को आपका वक्त बीता हुआ दिखता है 1 या 2 डेज़। कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर रहेगा कि कोई डिसीजन लेना है, ये करना है, बट वैसे इवेंट्स में मेरे को कोई खास इवेंट होते हुए नहीं दिखते हैं। इनफैक्ट कहीं ना कहीं आप खुद ही, या तो आप ऐसे रहेंगे कि नो कि मैं प्रार्थना करूं, जो मैं चीज़ चाहती हूं वो मुझे मिल जाए, जैसा मैं चाहता या चाहती हूं वो मेरे साथ हो जाए। तो किसी न किसी चीज़ की आप डेस्परेटली चाहते हो वो हो, और उसी सोच के उसी बारे में वो वक्त बीतेगा। बट मेरे को कोई ऐसा न्यू जॉब, न्यू इवेंट, कोई हैपनिंग्स, कोई ऐसी बड़ी बड़ी चीज़ें होती नहीं दिखती हैं। अगर वो है भी तो कार्ड्स अभी तक तो मेरे को कोई बिग स्पेसिफिक इवेंट नहीं दिखा रहे हैं। मेरे को सोचने में ही वक्त बीतता हुआ ज़्यादा लग रहा है, और कोई डिसीजन लेने का प्रेशर है। मेरे को यही एनर्जीज आपकी करंटली दिख रही हैं। रेस्ट उसके अलावा मैं कोई और चीज़ आपके लिए ऐड नहीं करना चाहूँगी 1 या 2 डेज़ में जो आपका ये एनर्जीज है। मैं कहूँगी इसमें जितना हो सके किसी की सजेशन लें, एडवाइस लें, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर ना लें, प्रेयर्स करें, प्रार्थना करें, वो ज़रूर आपके लिए सजेस्टेड है। उससे आप कहीं ना कहीं पीसफुल रहेंगे, स्टेबल रहेंगे। अगर आप गॉड डिवाइन को नो नहीं मानते हैं, आप नो आप किसी भी प्रकार के जिनको भी मानते हैं उनको मानिए, लेकिन अगर आप नहीं भी मानते तो यहाँ पर ये कार्ड आपसे सजेस्ट करें कि आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स पे भरोसा रखें, आप अपनी तरफ से अपने आप को स्टेबल रखने की कोशिश करें, जल्दबाजी में फैसले नहीं लेने हैं इन कमिंग 1 या 2 डेज़ में। इन शॉर्ट सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये आ रहा है। सो बी काम, हैव पेशेंस, ये सजेशन है। वहीं अगर हम चलते हैं कार्ड नंबर 2 के लिए, सो कार्ड नंबर 2 वालों के लिए जो मैसेज आया है, ओके, सो यहाँ पर काफ़ी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर है 4 of Swords के कार्ड्स हैं और फियर ऑफ इंटीमेसी के कार्ड्स हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूँ सबसे पहली चीज़ लव एंगल का, बाकी करियर और काम के एंगल में भी मैं इसका इंटरप्रिटेशन आपको बता दूँगी। बट यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हाईलाइट एक एनर्जीज हो रही है वो ये कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में, शायद से लव लाइफ में, पास में एक डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हैं, एंड अभी आपका करंटली मूड या मन ऐसे हुआ पड़ा है कि आपको शायद किसी से बात नहीं करनी है, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आना है, आप शायद से किसी पर ट्रस्ट करने को डर रहे हैं, आप किसी से कनेक्ट करने को डर रहे हैं, एंड आपको लग रहा है शायद से नो लाइफ में मे बी लव एग्जिस्ट नहीं करता है,
एंड अकेले रहना बेहतर है। किसी को ज़्यादा इमोशनली अटैच होके मतलब नहीं, आप जितनी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल में रखें, छुपा कर रखें, वो बेहतर है। बहुत ज़्यादा लोगों से उम्मीद करें, एक्सपेक्ट करें, तो बदले में दुख ही मिलता है, लोग धोखा ही देते हैं। इट्स बेटर कि आप लोगों से ज़्यादा उम्मीद ना करें। तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं ना कि दिल आपका मायूस हो गया है, सैड हो गया है, एक सैडनेस आपको फील होती है अपनी लाइफ में, स्पेशली ड्यू टू मे बी लव लाइफ इमोशंस। तो कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, और अपने आप अपने भावनाओं को आप कहीं ना कहीं आपने, मैं कह सकती हूँ, दबा के रखा हुआ है, छुपा के रखा हुआ है, या आप ये कह लो कि आप किसी को बताना चाहते हैं बट ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो आपको इस वक्त में समझ पाए, आपकी भावनाओं को सुन पाए, आपका सहारा बन पाए। तो एक वो पॉज मोमेंट चल रहा है जहाँ पर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आपकी लव लाइफ में, आपकी ज़िंदगी में क्या फेज़ आ रहा है, चाहे आप कमिटेड हैं, सिंगल हैं, ट्रांजिशन में हैं, तो वो चीज़ आपको समझ नहीं आ पा रही, इस वजह से आप कहीं ना कहीं परेशान और सोच में हुए दिखते हैं। वही ये कार्ड भी आपको साथ ही साथ इसीलिए साथ में सजेशन देने आया कि इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आपके साथ पास्ट में हुई हो वो वापस से दोबारा आपके साथ होगी। सो नो यहाँ पे अगर आपकी, मैं कहूँगी, अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा पर्सन है जो आपको लव दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं आपके साथ में, नो, और ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर ऐसा कोई है, तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि नो, ओपन अप, अपने आप को मौका दें और दूसरे को भी मौका दें, एक दूसरे को जानने का, पहचानने का, एंड ट्रस्ट करें। जो भी आपके साथ पास में हो उसको जाने दें लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में प्यार को अलाउ करें, आपकी ज़िंदगी में आने दें, बढ़ने दें, वो आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा होगा। सो बी ओपन, मैं कहूँगी इन जनरली, अगर आप इन देखो रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, ऐसा कोई पर्सन है या नहीं है, इन जनरल ये कार्ड्स आपसे कह रहे हैं कि नो, जो एक आपने अपने माइंड में एक थिंकिंग थॉट प्रोसेस बना के रखी, जस्ट लेट इट गो, बी ओपन। लाइफ में जो भी एक्सपीरियंसेस आपके लिए आ रहे हैं, जो भी हो, उनको जीने के लिए, उनको एक्सपीरियंस करने के लिए ओपन रहे। आप एक ब्लॉक खुद से ना बना दें कि नहीं, आज के बाद मैं यू नो कभी भी किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं आएंगे, या कभी भी किसी से बात नहीं करेंगे, या कभी भी इन सब चीज़ों में, तो इस तरीके का एक अपने ही दिल में ब्लॉक ना बना दे। तो ये एक सजेशन है आपके लिए यहाँ पर। बाकी ऑफ कोर्स लाइफ है, एक्सपीरियंसेस हैं, समय से बदलते हैं, पर्सन भी ग्रो होता है, सीखता है। तो मैं कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कह रही हूँ कि आप 2 दिन में अपने इमोशंस बदल लें, बट एक तौर पर गाइडेंस है, आप उसको धीरे 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 अप्लाई कर सकते हो, सो आपके लिए हेल्पफुल होगा। बाकी अगर मैं इन जनरल करियर एंगल में बात करूँ, तो यहाँ पे करियर एंगल में आपके लिए सजेशन है कि ये कमिंग नेक्स्ट 24 आवर्स, ऐसे मैं नहीं कह सकती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा, मेरे को आपके लिए चेंजेस दिख रहे हैं, मेरे को चीज़ें स्लो दिख रही हैं, स्टेबल दिख रही हैं। इनफैक्ट मैं कहूँगी रेस्ट करने का टाइम है, थोड़ा सा पॉज लेने का टाइम है। आपको थोड़ा सा बोर्डम भी फील हो सकता है कि लाइफ थोड़ी सी स्लो चल रही है, मेरे को बोर फील हो रहा है, मैं जैसा चाहता था वैसा मेरा नहीं हो रहा है, एंड ऐसे आप थोड़ा सा डल भी फील कर सकते हैं। बट मैं कहूँगी दैट्स ओके, नेक्स्ट 24 आवर्स में शायद आपको आपकी एनर्जी थोड़ी सी कन्फ्यूज, स्लो या नॉर्मल से रूटीन वाली लग सकती है, मतलब कुछ खास एक्साइटमेंट ना फील हो, एंड दैट्स ओके। बट ये एक बड़ा ही नॉर्मल सा कार्ड है, माइनर कार्ड है, तो इसमें हम कहते हैं कि पर्सन को लाइफ थोड़ी सी स्लो एंड यू नो स्टक फील हो सकती है, तो इन सब चीज़ों से आप गुजर सकते हैं। एक और चीज़ जिन्होंने कार्ड नंबर 2 से लेके, उनको थोड़ा सा ऐसा भी लग सकता है कि ना, जैसे उनके सारे काम, सारे रिजल्ट, सारी चीज़ों को भी जैसे किसी ने मिट्टी डाल दी हो। कहते हैं ना, मैंने इतना कुछ किया, इतना सब कुछ किया, और बस ऐसे ही किसी ने मिट्टी डाल दी उसके, मतलब वो सारा काम ही दब गया। मतलब आप जितने भी एफर्ट्स लेते हो, शायद आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो आप फिर सैड हो जाते हो, मतलब क्या है, मैंने इतना सब कुछ किया, मेरे को बदले में कुछ मिला ही नहीं, मतलब आई एम बैक टू ज़ीरो, मतलब वो वाली कभी फ्रस्ट्रेशन वाली फीलिंग आ सकती है। सो ये वाली एनर्जी देखती है, बट मैं कहूँगी एक टेम्पररी फेज़ है आपकी, ये एनर्जी, ये मूड स्विंग सब बदल जाएंगे। जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, टेक रेस्ट, कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है कि जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 से लेके आए। बट या मेजर चीज़ है मुझे आपके लिए ना, जो सिचुएशन हाईलाइट करी, कहीं ना कहीं मुझे एक बड़ी क्यूट सा पर्सन बैठा हुआ दिख रहा है, जो नो लव लाइफ को लेकर या अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर परेशान है। सो मुझे नहीं पता है नो, मैं यहाँ पे एक जेंडर के वे में बात नहीं करी, बट एक जस्ट नॉर्मल क्यूट से ह्यूमन बींग कोई बैठे हुए हैं, एंड वो सैड है, परेशान है। तो मैं कहूँगी जस्ट डोंट वरी, ये कमिंग 1 to 2 डेज में जस्ट स्माइल, एवरीथिंग विल बी फाइन, एंड यू नो बी ओपन, कुदरत पे भरोसा रखें, सही टाइम आने पे सही चीज़ें ज़रूर आपके ज़िंदगी में होने के लिए ऊपर वाले कृपा करेंगे। बट यू नो जस्ट स्माइल, कार्ड नंबर 2 वालों को मैं कहना चाहूँगी, मुस्कुराएं, स्माइल करें आज के लिए, ये आपके लिए मैसेज है। सो आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट कर पाए हैं। इफ़ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स फिलो कि आप कितना रेजोनेट कर पाए हैं इस रीडिंग से, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स फिलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।